हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वीनस की। इट इज़ रिटन इन 1596 और दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द टेंशन बिटवीन जूस एंड क्रिश्चियन। ओके, तो इसमें पोर्शिया की स्पीच है अबाउट द क्वालिटी ऑफ मर्सी और हेरोल्ड ब्लूम ने लिस्टेड इट एज ए ग्रेटेस्ट कॉमेडी। उन्होंने कहा है कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी। ठीक है, अर्नोल्ड वेस्कर ने इस प्ले के बारे में एक प्ले लिखा है खुद का, रिटर्न ए प्ले द मर्चेंट एज सेम एज द मर्चेंट ऑफ वीनस। और उन्होंने जो अर्नोल्ड वेस्कर ने लिखा है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, शाइलॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट द प्ले। द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर की लिस्ट है। जैसे जैसे मैं प्ले आगे बढ़ती जाऊँगी तो आप इन कैरेक्टर्स को मैं क्लियर करती जाऊँगी। ठीक है, तो द प्ले इज सेट इन वीनस। वीनस शहर में शाइलॉक नाम का एक क्रूर व्यापारी रहता था। शाइलॉक एक जूहिश था। जूहिश मतलब यहूदी। वीनस में सारे बाकी क्रिश्चियंस थे और जो शाइलॉक था वो क्रूर था और बहुत ही लालची था। और वो क्या करता था, सबसे ज़्यादा ब्याज लेता था। और उसी शहर में एक एंटोनियो नाम का व्यापारी भी रहता था जो कच्चे माल का व्यापार करता था और जिसकी शिप गई हुई थी कच्चा माल लेने के लिए। एंटोनियो बिना ब्याज के पैसे देता था और वो एक क्रिश्चियन था। तो दो कैरेक्टर हमने बात कर लिए, शाइलॉक एंटोनियो, और एंटोनियो का एक फ्रेंड था बसेनियो। बसेनियो, ये दोनों एंटोनियो एंड बसेनियो, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। और जो बसेनियो था मज़े करने वाला आदमी था और उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो एंटोनियो हमेशा बसेनियो की सबकी मदद करता था, वैसे ही वो बसेनियो की भी मदद करता था। तो एंटोनियो हमेशा बसेनियो की मदद करता था। तो बसेनियो एंटोनियो के पास जाता है और बसेनियो कहता है कि पोर्शिया जो एक बेलमेट टापू पे रहती है, धनी लड़की है और उस वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे 3000 डुकेट्स चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो एंटोनियो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 500 डुकेट्स है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता, फिर एंटोनियो को एक उपाय सूझता है। वो बोलता है कि चलो फिर शाइलॉक से पैसे ले लेते हैं उधार में। तो वो दोनों शाइलॉक के पास जाते हैं। और इसी बीच दूसरा सीन चल रहा है पोर्शिया और नरिसा के बीच में। पोर्शिया की सेविका है नरिसा, वो दोनों भी अच्छी दोस्त है। और पोर्शिया के पिता मरने से पहले एक गेम बनाकर गए थे। क्या गेम बनाकर गए थे, 3 कैस्केट। उन्होंने कैस्केट का मतलब होता है बक्से, कैस्केट बना के गए थे, गोल्ड का एक, सिल्वर और लीड। उनमें से एक कैस्केट में उन्होंने पोर्शिया की फ़ोटो रखी थी और जो जिसको भी वो पोर्शिया की पिक्चर या मिल जाएगी, पोर्शिया को उसी से शादी करनी है। तो इससे पहले पोर्शिया के पास 2 मैरिज के ऑफ़र आ चुके थे प्रिंस ऑफ मोरक्को का, जो आए थे और उन्होंने गोल्ड कैस्केट को चुना था। तो पोर्शिया की पिक्चर नहीं थी गोल्ड कैस्केट में, तो वो भी रिजेक्ट हो गए थे। और फिर आए थे प्रिंस ऑफ एरागोन, AARRONGON, एरागोन, प्रिंस ऑफ एरागोन। उन्होंने सिल्वर कैस्केट चुना था और उसमें भी पोर्शिया की पिक्चर नहीं थी। तो पोर्शिया और नरिसा जब बातें कर रही है और पोर्शिया नरिसा से कहती है कि बसेनियो जो है किसी भी लड़की के लिए एक बेहतर पति साबित होगा। ठीक है, तो अब वापस सीन जाता है कहाँ पे, एंटोनियो और बसेनियो के पास। एंटोनियो और बसेनियो कहाँ जाते हैं, शाइलॉक के पास 3000 डुकेट्स लेने के लिए। शाइलॉक शर्त रखता है, अगर इस तारीख तक एंटोनियो मेरा पैसा नहीं दे पाया तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काट लूँगा। ठीक है, इसी शर्त पे शाइलॉक पैसे देने के लिए तैयार होता है। एंटोनियो सोचता है कि मेरे कच्चे माल का जो शिप गई हुई है वो जब तक वापस आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे दे दूँगा। तो शाइलॉक एक बॉन्ड बनवाता है और एंटोनियो उस पर साइन कर देता है। ग्रेटियानो, एंटोनियो और बसेनियो,
ये तीनों अच्छे दोस्त है। ग्रेटानियो इंट्रोड्यूस हुआ है इस प्ले में। ग्रेटानियो और बसानियो पैसे लेकर पहुंचते हैं कहाँ पे, बेलमोंट में। बेलमोंट में पहुंचते हैं पोर्शिया के पास। तो बसानियो प्यार का इजहार करता है पोर्शिया से, जैसे कि जानते हैं आप पोर्शिया भी प्यार करती थी, इसीलिए वो पहले कह रही थी कि बसानियो किसी भी लड़की के लिए एक अच्छा प्यार साबित होगा। तो बसानियो प्यार का इजहार करता है पोर्शिया से। बसानियो को जब वो बताती है उसके फादर ने जो कैस्केट के लिए, तो बसानियो लीड का कैस्केट चुनता है और जिसमें पोर्शिया की फ़ोटो होती है। तो कौन से कैस्केट में पोर्शिया की फ़ोटो होती है? लीड के। दोनों अरेंजमेंट कर लेते हैं, दोनों की रिंग सेरेमनी हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेटियाना और जो ग्रेटियानो जो फ्रेंड है बसानियो का, और नरिसा भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, तो वो दोनों भी रिंग सेरेमनी कर लेते हैं। अब जब शाइलॉक एंटोनियो और बसानियो को पैसे देने जा रहा होता है, तो उसके पीछे से उसकी बेटी जेसिका प्यार करती है किससे? लोरेंजो से। और शाइलॉक जब एंटोनियो के पास खाना खाने के लिए जाता है, तो पीछे से जेसिका उसकी तिजोरी की चाबी जो उसके पास होती है, वो सारे पैसे तिजोरी खोल के सारे पैसे ले के गायब हो जाती है। जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है तिजोरी में से पैसे और जेवर ले के। तो अब जेसिका और लोरेंजो भी पहुंचते हैं कहाँ पे? बेलमोंट में। बेलमोंट में जो पोर्शिया, नरिसा, बसानियो और ग्रेटियानो अब सारे वहीं पे हैं, तो ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और लोरेंजो, बसानियो एंड ग्रेटियानो ये तीनों दोस्त होते हैं। तो बसानियो के पास इतने में क्या होता है, एक लेटर आता है। बसानियो के पास एक लेटर आता है, शाइलॉक के पैसे देने की डेट चली गई है, एंटोनियो लिखता है, और एंटोनियो के जहाज़ डूबने के कारण उसके पास पैसे नहीं आ पाए हैं। तो पोर्शिया बसानियो को, वो पोर्शिया को बताता है बसानियो कि उसकी क्या दिक्कत है। तो पोर्शिया बसानियो को 6,000 पाउंड्स देती है और शाइलॉक को देने के लिए कहती है कि तुम टेंशन मत लो और जाओ, तुम उसे डबल पैसे दे के इस झंझट से बाहर निकल जाओ। बसानियो और ग्रेटियानो वीनाइस पहुँचते हैं। वहाँ शाइलॉक ड्यूक ऑफ वीनाइस, जो ड्यूक ऑफ वीनाइस जो राजा होता है वहाँ का, उनके यहाँ अपनी अर्जी लगा देता है कि मुझे तो अब 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए, मैं तो इसकी बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश ही काटूँगा। तो पोर्शिया का कज़न एक गवर्नमेंट लॉयर होता है वीनाइस का। पोर्शिया एंड नरिसा दोनों क्या करती है, डिस्गाइज होती है, भेष बदलती है किसका, मेल लॉयर का। वीनाइस पहुंच जाती है, वो दोनों भी अदालत कोर्ट स्टार्ट होता है। शाइलॉक अड़ जाता है कि मुझे तो 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए, वो भी एंटोनियो के दिल के पास। तो पोर्शिया का नाम जब वो डिस्गाइज हुई है उस टाइम पे उसका नाम है बल्थाजार एज ए लॉयर, ठीक है। नरिसा है जो वो क्या प्ले कर रही है, असिस्टेंट का। बल्थाजार की असिस्टेंट कौन है? नरिसा, ठीक है। बल्थाजार का भेष बदल रखा है किसने? पोर्शिया ने। तो पोर्शिया कहती है कि बॉन्ड में लिखा है तुम 1 पाउंड फ्लैश लोगे, तो फ्लैश ले लो, पर एक भी बूंद खून की नहीं बहनी चाहिए। और एक और रूल वीनाइस का है कि जो ही क्रिश्चियन का खून करता है तो वह अपराधी होता है। तो ड्यूक ऑफ वीनाइस सजा सुनाते हैं किसको? शाइलॉक को, क्योंकि वो तो मारना चाहता था एंटोनियो को, तो उसको सजा सुनाते हैं। तो उसके सज़ा में ये होता है कि तुम्हारी आधी संपत्ति वीनाइस को देंगे और आधी एंटोनियो को। एंटोनियो कहता है कि मुझे तो आधी संपत्ति शाइलॉक को दे दी जाए, आधी संपत्ति वीनाइस के खजाने में, और शाइलॉक ईसाई क्रिश्चियन धर्म को अपनाने की उसे सज़ा सुनाई जाती है। पोर्शिया जो बल्थाजार बनकर बसानियो से रिंग मांगती है, उसने एक रिंग दी थी कि जब वो आ रहा था वीनाइस, तो उसने अपनी रिंग अपनी याद में बसानियो को दी थी। तो जो पोर्शिया क्या करती है, बल्थाजार के भेष में है, तो वो बसानियो से बोलती है कि मुझे ना तुम अपनी ये रिंग दे दो जीतने के इनाम में। तो
पोर्शिया और नरेसा वो रिंग लेके क्या करती है, बेलमोंट उनसे पहले पहुंच जाती है, और बसानियो एंटोनियो और ग्रेटियानो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। तो पोर्शिया फिर से उसको बसानियो को रिंग के लिए पूछती है कि मैंने जो रिंग तुम्हें जाने से पहले दी थी वो कहाँ थी। तो बसानियो कहता है कि वो तो मैंने एक वकील को दे दी। तो पोर्शिया रिंग निकाल कर बसानियो को फिर से पहनाती है और एक हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की। ग्रेटियानो की शादी हो जाती है नरिशा से, बसानियो मैरी कर लेता है पोर्शिया से, ठीक है। तो हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की, और दिस इज़ द समरी ऑफ द मर्चेंट ऑफ वीनस। तो होप यू लाइक दिस प्ले। तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।